फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, विवेक दिस साइड फ्रॉम वीकेंड वाला स्टफ। तो आइए आज हम बनाते हैं एक मीठी डिश, और हम बनाएंगे आज मूंग दाल का हलवा, जो कि काफ़ी मेहनत वाला हलवा होता है, जिसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम क्विकली बना सकते हैं इसको, और इसकी कुछ एक दो ट्रिक्स हैं जिसको हम यूज़ करेंगे। तो हमारा हलवा हम फटाफट 20 से 25 मिनट में हम अपना मूंग दाल का स्वादिष्ट हलवा बना सकते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट में हलवा मुझे नहीं लगता कि कुछ और कोई और होता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए पड़ेगा। हमें चाहिए पड़ेगी मूंग दाल, छिलका उतरी हुई मूंग दाल, जो कि हमने अच्छे से रात भर भिगो के रखी थी, और उसका हल्का सा पानी रहने दिया है, और उसको हमने बिल्कुल महीन पीस लिया है। और ये पीसने के बाद हमारी दाल इस तरह से, ये लगभग मैंने आधा बाउल दाल ली है। चीनी लगभग एक बाउल से थोड़ी सी कम चीनी जाएगी। भूनने के लिए शुद्ध घी, गार्निशिंग के लिए काजू कटे हुए और हमारी इलायची, और दूध भी जाएगा इसमें। और इसमें हम दूध के संग हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। जब मैं आपको पानी डालूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कितना पानी लगेगा इसमें। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बनाना हमारा इसका जो मिक्सचर है उसको किस तरह से हमको भूनने से पहले उसको हमको किस तरह से उसका पानी निकालना है, क्योंकि आपने जब दाल पीसी होगी तो इसमें पानी रहता है, उसको पानी रिड्यूस करने के लिए ही इसमें ज़्यादा टाइम लगता है जब इसको भूना जाता है। तो इसका हम क्या करेंगे कि हम इसको एक कपड़ा लेंगे इस तरह से, कोई भी मसलिन क्लॉथ ले सकते हैं आप, और वो लेने के बाद आप इसमें दाल डाल दीजिए इस तरह से। पानी निकल जाने दीजिए दाल का। तो जब पानी निकल जाएगा दाल का, तो हमारे पास जब हम भूनेंगे दाल को तो हमको दाल भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। तो इसको हम ऐसे करेंगे, और ये कपड़ा लेके हम इसका पानी निकाल देंगे। ये आप देख रहे होंगे कि ये पानी दाल का पूरा निकल जाएगा। ज़्यादा नहीं दबाना है, ऐसा ना हो कि दाल इसमें से निकलने लगे, क्योंकि दाल काफ़ी महीन पिसी हुई है हमारी। बट हाँ, यदि हम पानी इस तरह से अच्छे से, जैसे हम पनीर जब हम बांधते हैं घर में तो किस तरह से पानी निकालते हैं, उसी तरह से हमको इसका ये पानी निकालना है एक्सेस से। फिर ये हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो आइए हम आते हैं थोड़ी देर में, और मैं आपको बनाना शुरू करता हूँ हमारा मूंग दाल का हलवा, जो कि हम फटाफट 20 मिनट में बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हमने दाल का पानी निकाल लिया है। अब हम दाल का पानी देखिए, दाल का पानी निकालेंगे, ये कुछ इस तरह से दाल बिल्कुल चिकनी होके, ये देखेंगे आप बिल्कुल जैसे पनीर नहीं हो जाता हमारा, उस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट होके उनको पानी निकल चुका है दाल का। अब जल्दी से हम पैन ऑन करेंगे, पैन को हम तेज नहीं करेंगे ऑन, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पैन बिल्कुल मध्यम आँच पर रहे, और उसमें हम घी, जैसे ही हल्का सा घी मेल्ट होता है हमको दाल को घी में मिक्स कर देना है। तो ये हमने घी डाला है थोड़ा सा, जैसे घी मेल्ट शुरू होना हो जाएगा, घी मेल्ट होना शुरू होगा, वैसे ही हम इसमें दाल मिक्स कर देंगे अपनी। तो हम इसको इस तरह से फैला लेते हैं, और इस तरह से मेल्ट हो जाएगी, और हम ठंडे में ही इस पॉइंट पे नहीं, जो हमारी दाल है तो लेके हम घी में मिक्स कर देंगे। और इसको फटाफट से लेके हम इस तरह से घी के अंदर में थोड़ा सा आंच से उठा ही लें आप बिल्कुल,
और फिर आप इसको नीचे रख सकते हैं, क्योंकि एक बार घी में इसको अच्छे से मिल जाए, क्योंकि हमको घी में इसको अच्छे से, और घी की क्वांटिटी इतनी होना चाहिए कि, क्योंकि कभी कभी बनने वाला हलवा कम खाने वाला हलवा है, तो यूजली जब जैसे ठंड के दिनों में खाया जाता है ये, और अधिक वैसे यदि आप इसको हल्का सा बना के रख लेते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट बहुत ज़्यादा, इसको हम क्वांटिटी में खाते भी नहीं, इसलिए हम कभी 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 चाहिए, हाँ इसलिए घी इतना ही चाहिए। और ये आज हम बिना मावे के बनाएंगे, इसको चिपकने ना दें बिल्कुल भी नीचे, इसको इस तरह से देखिए इसको भून लें। तो इसको हम अच्छे से भूनने देते हैं, जब हमारा ये अच्छा भुना रंग दिखने लगेगा इसमें और खुशबू आने लगेगी, तो फिर हम आगे की चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। आइए हम आते हैं जब तक हमारा अच्छे से भुन जाता है, और इसको चलाते रहें, इसको चलाना ना बंद करें, तो अच्छे से चलाते रहें अच्छे से, ताकि दाल अच्छे से भुन जाए आपकी। आइए आते हैं 5 मिनट बाद। फ्रेंड्स देखिए लगभग 5 से 7 मिनट भूनने में, क्योंकि पानी इसमें पूरा निकाल चुके थे हैं, तो वही एक ट्रिक है कि हमारा हलवा ऑलमोस्ट हमारे हलवा की कंसिस्टेंसी का ही दिखना शुरू हो गया है, और खुशबू भी इसमें से अच्छी आ रही है। इसको हम 5 से 6 मिनट और इससे अच्छे से भूनेंगे, और फिर इसमें हम अपना पानी और मिल्क ऐड करेंगे। जब ये हमारा अच्छे से खुशबू आने लगी है हलवे में से, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ऊपर से दबाते हुए हम पानी और दूध दोनों एक साथ ऐड करेंगे। कई लोग इसमें इस टाइम पे मावा भी डालना पसंद करते हैं, बट मैं यहाँ मावा नहीं डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे दूध और पानी, अभी हमने शक्कर निकाली है, अभी हमने पानी और इसको हम हाई फ्लेम पे करते हैं, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं पड़ने दें बिल्कुल भी, और अच्छे से ये अच्छे से भून जाएगा, तब फिर हम लास्ट में इसमें शक्कर और हमारी गार्निशिंग के लिए काजू और हमारी इलायची डालेंगे। आते हैं जब ये एक बार भून जाता है, तो आइए अब हम इसमें शक्कर डालना शुरू करते हैं। यदि आपको कम मीठा पसंद है तो आप अपने हिसाब से जितना आपको मीठा लगे, तो आप बीच में हल्का सा चख भी सकते हैं फाइनली जब आप तो मिक्स कर रहे हैं शक्कर को इसमें, और आपको समझ में आ जाएगा जब आप टेस्ट करेंगे कि आपका हलवे का टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है मूंग की दाल का। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है, और आप मानिए इसको मूंग दाल का शीरा भी बोलते हैं या मूंग दाल का हलवा भी बोलते हैं, लेकिन हर जगह ये मूंग दाल के हलवे से फेमस है, और ये किसी भी शादी में यूजुअली ओकेशंस में, बहुत इंडियन ओकेशंस इंडियन फेस्टिवल्स में बनाया जाता है, और शादियों में तो खासतौर से ये बनाया जाता है। ठंड में ही आपको हर इंडिया में हर होटल में जहाँ पे भी आपको मिठाइयाँ मिलती हैं वहाँ पे आपको अलग से मूंग दाल का हलवा मिलेगा, तो आपको बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई कीजिए इसको, बनाइए मूंग दाल का हलवा और देखिए कितना अच्छा बनता है, और आपको बस वाकई ही पसंद आएगा ये। तो आइए अब हम डालते हैं इसमें अपना गार्निशिंग के लिए काजू और हमारी जो पिसी हुई हमने इलायची डाली हुई थी। आप इस पॉइंट पे इसमें केसर भी डाल सकते हैं, जब वो केसर रंग थोड़ा सा और डालते हैं ना, वैसे इसका अपना ही रंग इतना अच्छा आया है कि इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ रिच फ्लेवर के लिए आप इसमें केसर ज़रूर डाल सकते हैं। इसमें इसको मिक्स करिए, देखिए ये इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमारा मूंग दाल का हलवा बनके तैयार है।
आइए इसको आते हैं और सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए, हमारा मूंग दाल का हलवा बनके तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है और बहुत ही झटपट से बन गया है और ये बहुत ही मेहनत वाली डिश है। पर यदि आप जो ट्रिक्स मैंने अपने वीडियोस में शेयर करी हैं, जो मैंने खुद इंस्पायर होके ली हैं ट्रिक्स, और वो जब मैंने खुद यूज़ करी हैं, खुद बनाई हैं, और एक्चुअली वो प्रूवन हुई हैं कि दोज आर द सक्सेसफुल टिप्स और ट्रिक्स जो कि हम यूज़ करें तो हम अब वो रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए इसको और फीडबैक छोड़िए मेरे फेसबुक या यूट्यूब पेज पे। तब तक के लिए वीकेंड वाला स्टफ की तरफ से अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय। विवेक फ्रॉम वीकेंड वाला स्टफ, थैंक यू, डू एंजॉय।